this is Kanchan. Today I am here to tell you a recipe to make cookies but with an Indian twist. That is, we are going to use malai in it. Yes, you heard right. Malai in cookies and it tastes very good. So let's go. इसके लिए हमें चाहिए एक कप मलाई, एक कप पिसी चीनी, दो कप मैदा। अब हम एक बॉल में मलाई को डाल देंगे। मलाई ताजी होनी चाहिए तभी अच्छा बनेगा। अब मैंने ये पिसी चीनी भी इसमें मिला दिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मेरा इस तरह से पूरा मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़े थोड़े मैदे डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ये देखिए पूरा इस तरह से मिक्स करके एक अच्छा डो बना लेंगे। इस तरह से मेरा ये सॉफ्ट डो रेडी है। फिर इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। ज्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, नहीं तो ये तलने पर फूटने लगेगा। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। ये मैंने अब एक बॉल को लेकर हाथ पर रखकर इसे हल्के हाथ से दबा देंगे और फिर एक फोक से इसे प्रेस कर देंगे इस तरह से। अगर आपके पास ऐसा सांचा है तो आप इसके ऊपर एक बॉल रखकर इसे हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए। बहुत पतला नहीं करना है, ना ही बहुत मोटा। ये देखिए इस तरह से सारे मैंने बना लिए। ये सब बनके तैयार है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और चेक करने के लिए एक छोटी सी बॉल डालेंगे। जब ये ऊपर आ जाए तो इसका मतलब तेल गरम है। फिर इसे बाहर निकाल देंगे और धीरे धीरे इसमें तीन से चार या ज्यादा से ज्यादा पांच बस डालकर डीप फ्राई करेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, पांच से ज्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। और हाई फ्लेम पे ही रखना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे दूसरी तरफ भी पलट कर सेक लेंगे। अब ये हमारा रेडी है दूसरी तरफ से भी। इसी तरह से सारे मैंने फ्राई करके अब निकाल लेंगे। तरह से सारे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सारे हम इसके इसको फ्राई करके सारा हम निकाल लिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये अब मेरा कुकीज रेडी है। सो दिस वाज द रेसिपी ऑफ इंडियन कुकीज और You can say this as malai khajur. See you in next video. Till then, bye bye and keep cooking.